हे हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हाईवे ऑन व्हील्स पे। लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था होंडा हाइनेस का रिव्यू, लेकिन उसमें मैंने उसके फीचर्स बताए थे, गाड़ी के बारे में बात की थी। लेकिन आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी एसेसरीज के बारे में। तो पूरी एसेसरीज दिखाता हूँ आपको, कौन सी एसेसरी क्या काम आएगी आपको ये भी बताता हूँ, और लास्ट में मैं आपको उसका पूरा बजट भी बताऊंगा कि इस पे कितना खर्चा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं हर एक चीज़ का आपको प्राइस रेंज बताऊंगा, और हो सके तो हर जो एसेसरीज वेंडर है या फिर डीलर है उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए, ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बिकॉज़ अगर आपके पास होंडा सीबी हाइनेस है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाड़ी के साथ में। तो ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है गाड़ी यहाँ पे। जब भी स्टॉक गाड़ी आई थी तो ये बहुत सिंपल लगती है, बिकॉज आपको पता है होंडा गाड़ी के साथ में एसेसरीज नहीं देती है, बट जब ये इस तरीके से इसको लोड किया गया है विद आफ्टर मार्केट एसेसरीज, तो इसका कुछ लुक ही बदल गया है। फुल्ली लोडेड लग रही है गाड़ी, नो डाउट बहुत बहुत प्यारी लग रही है, और सब एसेसरीज इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके यूज़ में है, कोई भी ऐसा वेस्ट ऑफ मनी नहीं बोल सकते हम लोग। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो ये विंडशील्ड के बारे में आपको बता दूं, तो ये क्लियर विंडशील्ड है फ्रॉम कार्बन रेसिंग, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अराउंड 2500 to 2600 इसका कॉस्टिंग है। और इन्होंने जो तरीके से ब्रैकेट और हर एक चीज़ जो बनाई है ना, बहुत प्यारी है। क्वालिटी अगर आप देखोगे इसकी तो बहुत तगड़ी क्वालिटी है, नो डाउट। और क्लियर विंडशील्ड आप प्रेफर कीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी आगे की व्यू के लिए। बहुत टाइम हम लोग को सामने के खड्डे या फिर वो चीज़ फिल्म जो विंडशील्ड होती है उसमें से देखने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो क्लियर विंडशील्ड वो टाइम पे अपने को बहुत हेल्पफुल होती है। इसकी फिटिंग इतनी मज़बूत और प्यारी दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके फिटिंग माउंट्स है, एक रॉड दिया हुआ है इसको इस तरीके से, यहाँ पे कुछ हैंडल क्लिप्स दी हुई है जहाँ पे ये फिट होता है। ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल है बट अच्छे क्वालिटी का है। एलन की बोल्ट फिटिंग्स दी हुई है इसको, यहाँ पे भी देखिए जो ब्रैकेट है इसको एलन की बोल्ट फिटिंग दी हुई है। रॉड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, वो शायद से ये SS का होगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं। और जो डिज़ाइन है, जो कट्स है, ये देखिए बहुत प्यारे हैं विंडशील्ड के। प्लस यहाँ पे एक कैप दिया हुआ है कि विंड यहाँ से पास हो जाए, बिकॉज जब भी आप हाई स्पीड में होते हो तो पूरी विंडशील्ड विंड को नहीं ले पाती, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर गाड़ी चला के अगर हम लोग बात करें कि इसका विंड कितना कट करती है ये विंडशील्ड, तो मैं इसको 70% दे सकता हूँ कि पूरा विंड कट होना तो बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट अच्छा फील है इसका, और गाड़ी दिख रही भी बहुत प्यारी है ये लगाने के बाद में। तो अभी बात करते हैं और एक एसेसरी की, तो वो है ये क्रैश गार्ड। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रैश गार्ड मिलता है, और ये BS कंपनी का है जो मुंबई में लोकेटेड है, इनके डीलर। काफ़ी मजबूत है ये, अभी इंस्टॉल किया हुआ है, अभी तक रस्टिंग का और ऐसा कोई भी इशू नहीं है, फुल पाउडर कोटिंग है, हर वेल्डिंग के जॉइंट्स और हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से फिट एंड फिनिश है इसको। प्लस यहाँ पे आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रैश गार्ड के लिए, और यहाँ पे आपको मिलता है ये एक एक्स्ट्रा रोलर बार जो गाड़ी गिरते समय आपकी गाड़ी को रोल होने नहीं देगा, लाइक जो गाड़ी ट्विस्ट होती है ना वो होने से आपको बचाएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये भी BS एसेसरीज का ही है, तो ये है कैलिपर किट का गार्ड। अभी ये क्या चीज़ के लिए काम आता है, जब भी हम लोग रोड पर चलते रहते हैं बहुत टाइम किसी दूसरी गाड़ी के टायर से बड़े बड़े पत्थर उठते हैं, और वो अपने कैलिपर्स को या फिर ऐसी चीज़ों को डैमेज कर सकते हैं, प्लस ये आपको डस्ट से भी आपके कैलिपर को बचाता है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे है सेम BS एसेसरीज का ही, ये है फुट रेस्ट। तो जो कंपनी फुट रेस्ट है ये बहुत छोटा आता है, लेकिन ये लगाने के बाद आपका पूरा शूज़ या फिर आपका पूरा फुट आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। तो ये दोनों साइड में लगे हुए हैं, नहीं सॉरी, एक ही साइड में लगा हुआ है वो। और अभी मैं बात करता हूँ ये चीज़ की, तो अगर आप राइडिंग करते हैं, आपको राइडिंग और राइडिंग गियर्स या बाइक गियर्स का नॉलेज है, तो आपको पता होगा ये क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये है सैडल स्टे। तो ये क्या चीज़ के लिए काम आता है, ये दोनों साइड में होता है, तो ये चीज़ के लिए काम आता है। आप अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं
या फिर विद पिलियन राइड कर रहे हैं, तो जो लगेज हम लोग कैरी करते हैं वो उसके लिए सैडल बैग्स आती है, बहुत सारी कंपनी की मार्केट में अवेलेबल है। तो वो सैडल बैग्स अपने टायर तलक या फिर साइलेंसर तलक ना जाए, इसके लिए सैडल स्टे होता है। ये पूरे बैग को आराम से यहाँ पे रिलैक्स करता है और आपकी बैग सही से फिट हो जाती है। और ये जो सैडल स्टे है ये होंडा के खुद के है और दे आर वेरी अफोर्डेबल, ओनली 600 में आपको पेयर मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं बैक रेस्ट की, तो ये भी BS एसेसरीज का ही है बैक रेस्ट यहाँ पे, तो अच्छा है बैक रेस्ट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और प्रॉपर पीछे है इसका जो फिटिंग है वो, तो पिलियन को ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं बैठने के लिए, बिकॉज अगर आप बैक रेस्ट ज़्यादा ऊंचा लगाते हैं या फिर हाइटेड होता है तो पिलियन को पीछे बैठने को बहुत तकलीफ होती है, अगर स्पेशली उसका हाइट शॉर्ट हो तो। और अभी बात करते हैं ये पीछे का रैक, तो ये है टॉप बॉक्स का रैक। तो टॉप बॉक्स का रैक का जो पूरा फिटिंग है, जो पीछे का रैक है ये देखिए यहाँ से, तो ये पूरा BS का ही है, जिसके ऊपर की ये प्लेट है जहाँ पे टॉप बॉक्स फिट होता है, तो ये प्लेट भी BS एसेसरीज की ही है। तो ये हर एक चीज़ का प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कितने की है और आपको कहाँ मिलेगी, तो ये पूरी चीज़ें मैं कवर करूँगा। यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, बट ये कोई ब्रांड का नहीं है, लोकल क्वालिटी का बोल सकते हैं, बट अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है जो ब्रेक ऑयल का बॉक्स होता है आगे का, तो उसके ऊपर भी एक प्लेट मिलती है जो काफ़ी प्यारी लगती है, ये भी BS एसेसरीज की है। और ये जो बूट कवर्स है ये कंपनी के साथ में नहीं आते, ये होंडा की तरफ से आपको मिल जाएंगे, तो इसके वजह से आपका शॉकअप ऑयल लीक का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज आपके डस्ट सील को ये वाले कवर्स, रबर कवर्स बचाते हैं और काफ़ी प्यारे भी दिखते हैं। और अभी बात करते हैं बैश प्लेट की, तो ये देखिए आपके इंजन को ये गार्ड करती है प्लेट, प्लस आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कीचड़ में बारिश में चला रहे तो वो टाइम पे भी ये प्लेट काफ़ी काम आती है, बहुत मजबूत ऐसी प्लेट दिख रही है। ये भी BS एसेसरीज की ही है, ये देखिए काफ़ी मजबूत प्लेट है वो, और उसको भी शायद पाउडर कोटिंग ही किया हुआ है। और अभी बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज की, जो आपकी राइडिंग कम्फर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये देखिए ये है वो एसेसरी, ये है हैंडल राइजर्स कार्बन रेसिंग के, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, बहुत क्वालिटी मटेरियल है। ये देखिए ये आपके हैंडल को शायद से 1 इंच ऊपर कर देती है, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको कोई भी टाइप का अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, लाइक क्लच केबल हो गया या वायरिंग की केबल्स हो गए, इसका एक्सीलेटर केबल जैसे आपको पता है होंडा हैनेस में डबल एक्सीलेटर केबल आती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता आपको, ये इजीली फिट हो जाती है। सिर्फ आपको क्लच जो केबल है ये अंदर से आती है, तो उसको सिर्फ आपको यहाँ पे बाहर से लेना पड़ता है, बट कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा क्लच केबल पर, अच्छे से क्लच ऑपरेट होता है, ईजिली ऑपरेट होता है। और इसमें स्लीपर क्लच दिया हुआ है, आपको पता ही है बहुत मस्का है इसका क्लच। और अभी मैं बात करता हूँ इसके राइडिंग पोस्चर की, तो मैंने लास्ट वीडियो में गाड़ी चलाई थी तो उसका पोस्चर जो रेगुलर पोस्चर होता है वैसे था, लाइक आपके हैंड ऐसे स्ट्रेट रहते थे, लेकिन अभी अगर मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो ये देखिए, तो अगर अभी गाड़ी पे बैठ रहा हूँ तो मेरा जो हैंड है, जो हाथ है मेरे, ये स्ट्रेट नहीं रहते, ये रिलैक्स करते और पोस्चर काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाता है इससे। तो ये हैंडल राइजर्स बहुत अच्छे हैं, मस्ट बाय प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ आपको। और बाकी अभी बात करें तो ये एसेसरीज कहाँ से परचेस की है, इसका अमाउंट क्या है, हर एक चीज़ का प्राइस टैग क्या है, और आपको लेने चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसको डिसाइड आपको करना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो दिख रही है बट आप देख नहीं सकते, तो मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये गाड़ी को ना पूरा PPF किया हुआ है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का PPF किया हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे उसको ज्वाइन करना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन दिखेगी आपको, तो यहाँ यहीं से पता चलेगा कि इसको PPF किया है। ऑलमोस्ट 11,000 का ये PPF है, पूरा प्रोसेस है जो, और इसकी गारंटी जो है वो 10 ईयर्स की है, पूरी 10 ईयर्स की गारंटी के साथ में आपको ये PPF मिलता है। तो और क्या चाहिए, गाड़ी अगर आप नहीं ले रहे हो तो ज़रूर गाड़ी को PPF कीजिए, जिन्होंने PPF किया है उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। तो ये PPF का और एक खासियत है,
ये सेल्फ हीलिंग मटेरियल है और इसके ऊपर सेरेमिक कोटिंग भी आपको मिलती है, तो जितना गाड़ी आपकी धूप में खड़ी होगी ये उतना सेल्फ हील का मतलब इसका वैसे एक क्वालिटी बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दिया हुआ है, इनको कॉन्टेक्ट कीजिए और आप पूछ सकते हैं आपकी कौन सी गाड़ी है, तो वो हिसाब से आपको वो गाड़ी का बजट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपके पास होंडा सी बी हाइनेस है और आप सोच रहे हैं आपको क्या एसेसरीज लगानी चाहिए क्या एसेसरीज नहीं, तो आप ये वीडियो देख के ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे, ट्रैवल लॉग्स में भी मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसी वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।